दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान पिछले दिनों डेंगू की चपेट में आ गए थे, जिस वजह से उन्होंने टीवी शो बिग बॉस को होस्ट नहीं किया। लेकिन अब सलमान डेंगू से रिकवर हो चुके हैं और पहली बार सलमान अपने जीजा के बर्थडे पर दिखाई दिए। दरअसल 26 अक्टूबर को आयुष शर्मा का बर्थडे था। इस मौके पर उन्होंने बीती रात पार्टी रखी थी। सलमान भी इसी पार्टी का हिस्सा बने थे। अपने जीजा आयुष की बर्थडे पार्टी में सलमान ठीक ठाक ही नजर आए, जहाँ आयुष के घर पे बाहर भाईजान ने मीडिया से बातचीत की और कई सारी फोटोज भी क्लिक करवाई, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुई। एक वीडियो में सलमान अपनी भतीजी आयत को गोद में लिए दिखाई दिए, वहीं दूसरी वीडियो में आयुष शर्मा केक कट करते हुए नजर आए। इसके बाद आयुष भाईजान को केक खिलाते भी नजर आए। आयुष शर्मा की बर्थडे पार्टीज में सलमान के साथ कई बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हुए थे, जिनमें सोनाक्षी सिन्हा, शहनाज गिल शामिल थे। सोशल मीडिया पर इस बर्थडे पार्टी की वीडियो और फोटोज काफी सुर्खियों में हैं। खबरों की माने तो सलमान के नजदीकी एक फिल्म एक्टर ने बताया कि सलमान तेजी से डेंगू से रिकवर कर चुके हैं, जिसके चलते वह इसी साल 25 अक्टूबर के बाद अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग फिर से शुरू करने वाले हैं। डेंगू की वजह से सलमान अभी भी किसी फिल्म या किसी इवेंट से दूर बच रहे थे, लेकिन अब सलमान खान बिल्कुल ठीक हैं और वो दोबारा मूवी शूटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी सलमान की हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा चिंतित थे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।